2013 20 अप्रैल को आ रही है ये जो फिल्म है, इट्स एन ऑफ बीट फिल्म. इसके अंदर जो मेरा किरदार है उसकी जो बीवी है उसको उसके जो स्प्लिट पर्सनैलिटी. तो आई थिंक अक्सर आजकल ऐसे बार बार अक्सर निकलते हैं मुझसे भी अक्सर रिलीज होते हैं. तो अक्सर आजकल ऐसे होता है कुछ हादसे होते हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से वी डेवलप अ डिफरेंट पर्सनैलिटी विद इन आवरसेल्फ. सो दिस फिल्म इज़ अबाउट दैट. माय वाइफ कैरेक्टर प्लेड बाय रिशिता भट्ट, शी फेसेस अ स्प्लिट पर्सनैलिटी एंड द काइंड ऑफ थिंग्स जो जैसी चीज़ें होती हैं उनके साथ और कैसे आपको पेश आना चाहिए उनके साथ. तो ये फिल्म इज़ अबाउट लव, फैमिली एंड कमिटमेंट. तो ये कहना चाहूँगा कि किस तरह का अनुभव था इस फिल्म में और क्या कहना चाहेंगे ऑफबीट कर रहे हैं, ऑफबीट क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या डिफरेंट है जो ऑफबीट. आई डोंट थिंक मेनी फिल्म्स आजकल इतनी फिल्में बनती हैं ऐसे सेंसिटिव इशू को लेकर. बहुत लोगों को आई थिंक इंडिया में पता नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, लेकिन ये स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हम जान के भी उसका अनजाना करते हैं. बट ये है, तो ऑफबीट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक ज़्यादा फिल्मों में दिखा नहीं है, इसलिए मैं उसको एक ऑफबीट फिल्म बोल रहा हूँ. आपके अलावा और भी कई आर्टिस्ट हैं, अमन वर्मा जी हैं और मनोज बाबा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव था उनके साथ काम करने का. इट वाज रियली लव, आई वर्क विद मनोज जी बिफोर, जो मेरी पहली फिल्म आई थी लव एक्सचेंज, उसके अंदर वो मेरे ससुर जी वुड भी ससुर जी बने थे जो मेरी हर तरीके से बैंड बजाते हैं. तो इस फिल्म में भी ही इज़ प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर, जो मेरा तो है ही हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है, दैन जो ऑफिस में जो मेरी वाइफ काम करती हैं वो मनोज जी उधर के बॉस हैं. एंड अमन वर्मा इज़ ऑल्सो इन द फिल्म, वेरी टैलेंटेड एक्टर, सीनियर एक्टर से सीखने को बहुत मिलता है. एंड तो इस फिल्म में भी मैं तो बोलता हूँ हर फिल्म से कुछ ना कुछ सीखो एंड एज एन एक्टर कीप ग्रोइंग. एंड बिसाइड्स दिस प्रोजेक्ट एनी अदर प्रोजेक्ट वर्किंग राइट नाउ? आई जस्ट वेंट इन शॉर्ट, अभी अभी ऑलमोस्ट फिल्मिंग हो चुकी है. राजपाल यादव जी के साथ काम किया, मनोज जोशी जी एंड नरेंद्र झा एंड हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड ही वाज बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स. So, rest in peace, sir. And the main actress is Gurleen Chopra. And we also have Saurabh Chakrabarty in the film. So, वो एक फिल्म है. मेरी एक म्यूजिक एल्बम अभी रिलीज हुई जी के थ्रू, जी म्यूजिक, तू शिफा मेरी. तो वो भी एक आप देखो यूट्यूब पर जाके तू शिफा मेरी, तो आपको पसंद आना चाहिए होपफुली वो गाना. और धीरे धीरे चीज़ें लाइंड अप हैं, पहले इश्क तेरा कम्प्लीट कर लें. 20 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है.